अब आते हैं ड्राइंग उपकरण। जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। आप लेके आए हैं जो आपको इशू किए थे ड्राइंग में, तो हैं लेके आए हैं। हर ड्राइंग का बोर्ड लेके आना और एक टी स्क्वायर वगैरह लेके आना, टी स्क्वायर बोर्ड, टी स्क्वायर और एक बोर्ड। एक बोर्ड आ रहा है नहीं, ऐसा बोर्ड होता है क्या? ये प्रायः नरम लकड़ी का बना हुआ है। नरम लकड़ी का इसलिए बनाया जाता है इसको कि जब हम इसके ऊपर ड्राइंग शीट रख के पेंसिल से चलाएंगे, यदि हार्ड लकड़ी होगी तो एक तो पेंसिल फूटेगी, एक कागज फूटने का डर होता है। ये बोर्ड जो होता है वो एकदम समतल होना चाहिए। समतल इसलिए होना चाहिए कि यदि बोर्ड आड़ा चढ़ा रहा तो हमारी ड्राइंग जो है वो प्रॉपर नहीं बनी। मतलब आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी और कितनी सही बन रही है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जो ड्राइंग बनाने के टूल्स हैं, जो उपकरण है आप ड्राइंग बनाने के, वो कितने सही हैं। यदि आपकी स्केल गलत आपकी होगी तो आपकी ड्राइंग गलत बनेगी। तो आपके जो टूल्स होते हैं ड्राइंग बनाने के, वो बिल्कुल सही नाम के होना चाहिए, तभी आपकी ड्राइंग सही बनेगी। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न साइज के होते हैं और एक पीस को रहता है जो वो डमरा रहता है और एक लंबा रहता है। इसके बगल में एक एज होती है स्ट्रेट एज। क्या ये स्ट्रेट एज जो होती है इसके सहारे टी स्क्वायर चलाया जाता है और उस टी स्क्वायर से भी टी स्क्वायर आएगा उससे हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा खींची जाए। पट्टी के ऊपर रख के हम और सीधी आड़ी लाइनें खींचते हैं, आड़ी लाइनें क्षैतिज लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची जाती है। और ये जो पट्टी है इसको एबोनी या वर्किंग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबोनी या वर्किंग एज। अब ड्राइंग बोर्ड जो होते हैं, कभी हमें छोटी ड्राइंग बनानी होती है, कभी हमें बड़ी ड्राइंग बनानी होती है, कभी बहुत ज़्यादा बड़ी ड्राइंग बनानी होती है। तो जब हमें छोटी ड्राइंग बनानी होती है तो हम छोटा बोर्ड उपयोग करते हैं, जब हमें बड़ी ड्राइंग बनानी होती है तो हम बड़ा बोर्ड। तो कुछ स्टैंडर्ड साइज के बोर्ड होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, जो अलग अलग साइज की ड्राइंग बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो बोर्ड होता है उसका साइज होता है D0। उसका नॉमेनक्लेचर होता है D0, उसका साइज है D0, उसका साइज है 1500 mm बाय 1000 mm और मोटाई होती है 25। इंजीनियरिंग टाइम में हमारे देश में अधिकतर जो भी डायमेंशन प्रयोग की जाती है वो मिलीमीटर में की जाती है। इसमें की जाती है मिलीमीटर। मिलीमीटर समझते हो? मिलीमीटर क्या होता है समझते हो? सेंटीमीटर समझते हो? क्या होता है सेंटीमीटर?
इतना सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है? एक मीटर में 1000 सेंटीमीटर। सही बोल रहे हैं क्या? मीटर क्या होता है? मीटर देखा है किसी ने? कपड़े की दुकान पर गए हो कभी? मीटर एक स्टैंडर्ड नाप है। हमें नापने के लिए कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है। तो बहुत पहले माननीय एक छड़ बनाई गई जो कि लंदन की एक प्रयोगशाला में रखी हुई है। उसका दोनों सिरों के बीच का जो दूरी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे जो दूरी है वो 1 मीटर की लंबाई है, ठीक है। और जो कपड़ा नापने का वो मीटर होता है वो 1 मीटर उस लंबाई के बराबर होता है, उससे हम कपड़ा नापते हैं। फिट वगैरह में अपन बात क्या है, उन्हें बिल्कुल सही बोला कि 3.25 फिट के बराबर होता है 1 मीटर, क्योंकि 1 फिट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर नहीं होते, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं। आपको पढ़ाया जाएगा कि मीटर, और आपने पहले भी पढ़ा होगा मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये नाप नीचे जाते हैं मीटर से। मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, ये नाप मीटर से बड़े होते हैं। तो 1 मीटर में भी आपको याद रखने के लिए याद रखिए कि 1 मीटर के यदि हम 100 बराबर हिस्से करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर के जब हम 10 बराबर हिस्से करेंगे तो वो 1 मिलीमीटर होगा, ठीक है। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होगा। ठीक है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर जो आपने स्केल में जो आप स्केल देखते होंगे उसमें जो सेंटीमीटर वाली जो लाइन रहती है उसमें जो सबसे छोटा हिस्सा रहता है, 1 सेंटीमीटर के भी 10 हिस्से किए जाते हैं, वो 1 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। और हम इंजीनियरिंग लाइन में मिलीमीटर में सारी की सारी नाप को बताते हैं, ठीक है। तो अपन थे कि सबसे बड़ा जो कोण होता है उसे D0 बोलते हैं और उसका नाप 1500 mm by 1000। दूसरा होता है D1, वो होता है 1000 by 700। भाई ये मोटाई इसकी होती है, इसकी भी 25 है। मोटाई कम ज्यादा भी हो जाती है कि आप किस चीज का बनाते हैं उस पे। तीसरा नाम होता है D2, जो होता है 700 by 500, 15 mm मोटाई। ये लग ये 15 mm लगभग है, 15 mm से थोड़ी कम है। और एक होती है D3, इसके बाद वो होती है 500 by 350। ये नाप है और ये उनकी साइज है।
D1, D2, D3। अब इनको याद रखने का जो अच्छा तरीका है वो ये है कि 350 जो है उसमें 1.4 का गुणा करो। करो, कोई है गुणा करने का? तो उसको हमने राउंड करके 500, ठीक है। D2 में ये 500 छोटी साइज हो गई, इसमें 1.4 का गुणा करेंगे तो 700। D1 में ये 700 हमने चौड़ाई ले ली, इसमें 1.4 का करेंगे गुणा तो 980 आएगा। इसको हमने राउंड करा 1000। 1000 में 1.4 का गुणा करेंगे तो 1400 आता है, लेकिन सबसे बड़ी तो साइज हमने 1500 उन्होंने दिया। तो इसको याद रखने का एक आसान तरीका ये भी है, ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है और आपको साइज की जानकारी होना चाहिए। तो आपको समझ में आया कि ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ठीक है। एक रबर देखना, रबर आपने देखा होगा, यदि आपने पिक्चरें वगैरह भी देखी होती हो
तो वो जो ड्राइंग बनाता है या वो चित्र बनाता है तो उसकी जो टेबल होती है वो थोड़ी टेढ़ी है, देखा है आपने समय है, तो वो टेढ़ी क्यों होती है, क्योंकि आप यूँ बनाओगे तो आपको बनाने में दिक्कत है, यूँ आप थोड़ी सी टेढ़ी रखोगे तो आपको चित्र बनाने में आसानी है, ठीक है ना। ये तीन सूत्र की सहायता से एगोनी के ऊपर जो है हम पेंसिल से, पेंसिल है किसी के पास, पेंसिल से हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, इसको चलाएं, ठीक है। लाइन खींचने के मैं तरीके बताऊंगा कि कैसे खींचते हैं, ठीक है ना। इसको नीचे आते हैं तो टी स्क्वायर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के काम आते हैं, तो टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की मदद से हम विभिन्न कोण भी बना सकते हैं, ठीक है ना। टी अब हमने देखा कि टी स्क्वायर ये जो बोर्ड अलग अलग साइज के होते हैं, तो अलग अलग साइज के बोर्ड पे प्रयोग करने के लिए टी स्क्वायर भी अलग अलग साइज के, यदि हमारा बोर्ड इतना बड़ा है टी स्क्वायर इतना सही है काम नहीं है, और यदि हमारा बोर्ड इतना है टी स्क्वायर इतना बड़ा है तो वो हमें हैंडल करने में दिक्कत देगा। तो जिस प्रकार बोर्ड की साइज अलग अलग होती है उसी प्रकार टी स्क्वायर की भी साइज अलग अलग होती है, और ये भी टी जीरो टी वन टी टू और टी थ्री होती है। टी जीरो टी वन टी टू अब टी टी जीरो जो ड्राइंग बोर्ड था वो कितना लंबा था, बोलो जोर से बोलो, 1500। तो 1500 के लिए टी स्क्वायर भी 1500 लंबा था, तो टी जीरो की साइज कितनी हो गई 1500 mm। टी वन की साइज कितनी हो जाएगी 1000। आजकल पहले जो टी स्क्वायर लकड़ी के बनते थे उस पर मार्किंग नहीं आती, आजकल प्लास्टिक के टी स्क्वायर होते हैं और उस पर मार्किंग नहीं आती है, ताकि ये स्केल का भी काम कर सके। एक तरफ इंच में मार्किंग है, बिना मार्किंग वाले टी स्क्वायर के बाजार में उपलब्ध है, दोनों तरह के। अब आता है सेट स्क्वायर, ये सेट स्क्वायर, इन्हें सेट स्क्वायर बोलते हैं। ये स्क्वायर 90 डिग्री है इसलिए इन्हें स्क्वायर कहते हैं, और ये दो अलग अलग यूनिट के का एक सेट होता है इसलिए इसको सेट स्क्वायर्स का सेट, ठीक है। इसका जो एक सेट स्क्वायर का एक जो वो होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है और दो 45-45 डिग्री, इसके बीच में या तो चांदा होता है या इस टाइप के कर्व्स बने होते हैं, इसमें भी जो मिलता है वो इस टाइप के कर्व्स होते हैं, या ये चांदा या डी इसके अंदर फिट होता है जिससे कोण बनाते हैं, या इस टाइप के कर्व्स। दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है उसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 30 डिग्री का होता है, एक एंगल 60, ठीक ना। हम इन दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से जीरो से लेके
कोई भी एंगल जो 15 डिग्री के मल्टीपल में होता है, 15 डिग्री का मल्टीपल में कौन कौन से एंगल होंगे बोले जाओ, 30, 15, 30, 45, 60, 70, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 है, ये सब हम इन सेट स्क्वायर की मदद से बिना चाले की सहायता से इन सेट स्क्वायर की मदद से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। सेट स्क्वायर भी अलग अलग साइज के होते हैं, मतलब छोटे बोर्ड के लिए छोटे सेट स्क्वायर भी होते हैं, बड़े बोर्ड के लिए बड़े सेट स्क्वायर। इसको चांदा कहते हैं या प्रोटेक्टर, क्योंकि अपने सेट स्क्वायर में ये चांदा इसी में सेट स्क्वायर के अंदर है, इसलिए आपको अलग से चांदा नहीं दिया गया है। चांदा की सहायता से क्या करते हैं, खड़ो सर, वो चांदे की सहायता से कोण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का जैसे कोण बनाते हैं अपन, ऐसा कर सकते हैं 90 डिग्री चांदे की सहायता से कोण बनाते हैं, है ना। ये जो चांदा होता है ये पारदर्शी होता है और इसमें कोण की मार्किंग होती है, डिग्री से मार्किंग, इसमें नीचे एक लाइन होती है चांदे में बॉटम में, इसको जीरो लाइन बोलते हैं, शून्य देखा, इसमें एक तरफ शून्य होता है और उससे दूसरी तरफ 180 होता है और इस पूरी गोलाई को 180 भागों में बांटा जाता है। इसमें नंबरिंग होती है, एक तरफ जीरो से लेके 180 होती है, फिर दूसरी तरफ जीरो से लेके 180, चांदे में डबल मार्किंग होती है, जीरो से 180 और 180 से, मतलब जीरो से 180 और एक किसी भी डिग्री का कोण हम इस चांदे की सहायता से बना सकते हैं। चांदे की सहायता से जब कोण बनाना होता है, ये सब चीजें आपने प्रयोग की हुई है दसवीं तक, ये चांदा होता है, ये सेंटर लाइन होती है, इसमें गोलाई होती है, ये जीरो होता है, ये 180 होता है, देन ये 0 होता है, ये 180 होता है, ये 90 होता है, इसमें 10-10 डिग्री के बड़े बने होते हैं। जब हमें किसी लाइन पे कोण और ये मार्किंग है और उसके बाद ये इसके आउटपुट जिस तक ये मार्किंग जाती है, ये आउटर रेंज है और इसकी एक इनर रेंज, मतलब ये आउटर रेंज है, ये ठीक है। जैसे इस लाइन पे हमको कोण बनाना है तो चांदे का ये वाला पॉइंट जो है वो हम जा रहे हैं, इस रेखा को इस रेखा से मिलाएंगे, ठीक है। और जितने भी डिग्री का कोण होता है इस पे हम यहाँ पे उसे ये चांदे की सहायता से, जैसे उसकी चांदा की सहायता से हम निशान लगाएंगे, ठीक है, और इस रेखा को हम मिलाएंगे, ठीक है। तो हम कितने डिग्री का कोण चांदे की सहायता से, अब आते हैं फ्रेंच कर्व। ये जो है अंदर जो विभिन्न कर्व आकृतियां बनी हैं, इस टाइप के भी आते हैं और इस टाइप के भी आते हैं, जैसे कि आपके किताब में दिए होंगे, इस टाइप के भी आते हैं। अपने को बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं आते हैं इसलिए अलग से नहीं आते हैं। जब भी हमें तीन जैसे ग्राफ बनाया
और विभिन्न एक्स वैल्यू के उसमें कोई वैल्यू आ गई है, वाई की वैल्यू आ गई, और ऐसे पेंट आ गए। अब हमें इन्हें स्मूथ कर्व से मिलाना है, तो या तो हम इसको हाथ से मिलाएंगे हैं, लेकिन इन फ्रेंच कर्व की सहायता से तीन तीन पॉइंटों को लेते हुए, ये बड़ा है फ्रेंच कर्व छोटा है, तीन तीन पॉइंटों को लेके हम इस फ्रेंच कर्व की सहायता से उसको स्मूथ कर्व लाते हैं। और ये फ्रेंच कर्व जो होता है ये स्मूथ इसलिए काम आते हैं, आप देखोगे कि फ्रेंच कर्व की जो अंदर की धार है इसमें वो भी स्लोप की गई, वो भी इसीलिए स्लोप की गई कि आपकी लाइन जो है वो सही ड्राफ्ट। इसके बाद आती है स्केल, क्योंकि आपके सेट स्क्वायर में नंबरिंग नहीं हुई है इसलिए आपको स्केल अलग से प्रोवाइड नहीं की गई है। स्केल जो छोटी है 6 इंच की 12 इंच की होती है, प्लास्टिक की होती है, एक तरफ सेंटीमीटर के निशान होते हैं, दूसरी तरफ इंच के निशान होते हैं, और स्केल की सहायता से हम इच्छित लंबाई की रेखा, ठीक है, स्केल आप सभी ने 10वीं तक प्रयोग, ठीक है। अब आते हैं ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट जो होती है वो एक प्लास्टिक की स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर किसी भी प्रकार की शीट होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के आकार कटे हुए हैं, जैसे इसमें सर्कुलर गोल आकार अलग अलग गोलाई, छोटी छोटी गोलाई भी, अब बहुत छोटी गोलाई आप प्रकार के माध्यम से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि बहुत छोटी गोलाई ड्रा करनी है या आपको गोलाई ड्रा करनी है, आपके पास प्रकार नहीं है, जल्दी ड्रा करनी है, तो आप इसके माध्यम से ड्रा कर सकते हैं, इसको सर्किल मास्टर है। इसी प्रकार टेम्पलेट में कुछ स्क्वायर्स के कटे रहते हैं, कुछ रेक्टेंगल कटे रहते हैं, कुछ हेक्सागन कटे रहते हैं, तो उस तरह के चित्र बनाने के लिए वो काम आते हैं, उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आती है ड्राफ्टिंग मशीन या मिनी ड्राफ्टर और ड्राफ्टिंग मशीन, दो चीज़ें। ये होता है मिनी ड्राफ्टर। एक्चुअली बड़े बोर्ड के लिए इसका बड़ा साइज उपयोग होता है और उसको हम बोलते हैं ड्राफ्टर, जो बहुत बड़ी ड्राइंग बनाने के काम, क्योंकि हमारे को छोटी ड्राइंग बनानी है और छोटे लक्ष्य बनाने के लिए हमें उतनी बड़ी ड्राफ्टर से काम करने में दिक्कत होती, इसलिए बाजार में उसका छोटा रूप डिजाइन किया गया। वो ड्राफ्टर होता है उसका छोटा रूप डिजाइन किया गया तो उसको हमने मिनी ड्राफ्टर, तो इसका नाम है मिनी ड्राफ्टर, वास्तव में नाम होता है ड्राफ्टर, और क्योंकि ये इसका छोटा रूप है इसलिए इसका नाम है मिनी ड्राफ्टर। जो होता है वो एक साथ 30 स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल, इन सब का एक साथ काम। यदि ये इक्विपमेंट आपके पास है तो आपको 30 स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर मतलब ज़्यादा, इसके किसी भी चीज़ की जरूरत, इसका ऊपर का हिस्सा जो है उसको तो बोर्ड पे कर दिया जाता है, चेयर लेन या मैं यही बता दूँ इस तरह से उसको कस लिया है, इसको 0 पे सेट किया जाता है, ये यहाँ पे एक पॉइंटर होता है उसको नाप की सहायता से। अब सबसे पहले हम देखो कि मिनी ड्राफ्टर में एक इसमें 2 भुजाएं जो और एक कोनी है जिसके सहारे से ये दोनों भुजाएं ऊपर नीचे आगे नीचे,
एक स्केल है जो एक गोल शेप पे उस पर लगी हुई है, दोनों स्केल दो स्केल, और उन दोनों के बीच का कोण जो होता है वो नहीं होता है। इसको स्केल को जो इसका हिंज है इसके पिवट के सहायता से ऊपर नीचे किसी भी एंगल पे घुमाया। टॉप में एक हिंज है और उसमें एक नाम है जिसकी सहायता से इसको बोल्ट कसा जाता है, ठीक है। जब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना होती है सबसे पहले हमें इसको जीरो पे सेट, और जीरो पे सेट करने के बाद जो शीट है उसके टॉप एज को उससे मिला के उन्हें उस शीट को ड्राइंग बोर्ड पे टेप की सहायता से लगा दें। जीरो पे सेट कर लियो काम को। इसके लिए अब हम जितनी भी रेखाएं खींचेंगे वो ऊपर की रेखाओं के रेखा के समानांतर रेखा है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा रहे। जितनी भी इस स्केल के माध्यम से खड़ी रेखाएं खींचेंगे वो नीचे वाली रेखाओं पे लंबवत रहेगी, 90 डिग्री पे रहेगी, या इसको हम वर्टिकल रेखाएं कहेंगे, कैसे, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल रेखा खींचने के काम आते, ये वर्टिकल रेखा के साथ काम आते। अब इसको हम यहाँ पे एक सर्कुलर मार्किंग होता है उसकी सहायता से किसी भी एंगल पर हम इसको सेट, जिस एंगल पर सेट कर लेंगे उस एंगल की हम रेखा ऐसे। तो ये प्रोटेक्टर का भी काम करते हैं, समानांतर रेखाएं भी खींच सेट स्क्वायर के जैसे 15-15 डिग्री खींच सकते थे वो भी खींच सकते हैं। नाप भी सकते हैं कितनी लंबी रेखा चाहिए। तो ये स्केल, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर का एक साथ काम करता है, ठीक है। अब एक कंपास बॉक्स होता है उसमें विभिन्न प्रकार के टूल होते हैं, वह देखना विश्वकर्मा जी होंगे उसके ना कंपास बॉक्स आगे। तो ये होता है डिवाइडर, डिवाइडर बड़ा की साइज का होता है छोटे साइज का, चूंकि हमें छोटे ड्राइंग कराना है इसलिए हमारे पास छोटा है। इस डिवाइडर में नीचे दो लोहे की टिप लगी हुई होती है, दोनों लोहे की होती है, और एक एडजस्ट करने के लिए स्क्रू किया जाता है जिससे हम इसको पास लिया दो एडजस्ट। हमें किसी भी लाइन को जितने भी बराबर के नाप एक फिक्स नाप में बांटना होता है तो हम स्केल की सहायता से दोनों टिप के बीच की दूरी फिक्स कर लेते हैं और उस पर ऐसे ऐसे लाइन लगा देते हैं, तो हमारी वो रेखा उतने नाप में बांट ली, मतलब डिवाइडर मतलब वो रेखा को डिवाइड करने के काम आता है, डिवाइड मतलब बांटने नाप में बांट ली, इसलिए इसको डिवाइडर मतलब जो किसी भी चीज को रेखा को अलग अलग। दूसरा होता है कंपास या प्रकार, इसमें एक टिप जो होती है वो लोहे की होती है और दूसरी टिप जो होती है वो ये नील होती है, सहायता से थोड़ा सा हो जाता है ये रेट जो है अंदर फंसा जाएंगे। पूरा बक्सा है जिसमें अलग अलग
तो ये हमारा बड़ा जो इसका बड़ा साइज का भी आता है, जब हमें बड़े सर्कल्स बनानी होगी तो हम बड़ा वाला पत्ता, ठीक है, इसकी सहायता से हम सर्कल्स, ठीक है, अच्छे डायमीटर का हम नाप के अच्छी रेडियस का सर्कल हम इसके साथ कंपास या ड्रा बोलते हैं। इसका बड़ा प्रकार भी आता है, अभी वो कंपास वापस आ जाएगा तो उसको बता दूंगा। इसका बड़ा डिग्री है और बहुत से इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको कल एक बार पूरा रिपीट करा दो कि शुरू से क्या पढ़ाया था आज। तो आज आपने क्या क्या चीजें समझी? सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है? जब हम किसी भी इंजीनियरिंग वस्तु का, पुर्जे का, मशीन का या कोई काल्पनिक चीज का चित्र बनाते हैं तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें क्या काम आती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग से हम अपने विचारों को, अपने मशीन के साइज को एक से दूसरे तक हम पहुंचा सकते हैं विचारों के लिए। और इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए हमने विभिन्न उपकरणों को समझा। यदि हमारे उपकरण एक्यूरेट होंगे तो जो हमारी ड्राइंग है वो एक्यूरेट है। इसके लिए हमें जो उपकरण चाहिए होते हैं वो ड्राइंग बोर्ड होता है जो विभिन्न साइजों का होता है, टी स्क्वायर होता है जो विभिन्न साइजों का होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन की सेट स्क्वायर होता है जो प्लास्टिक के होते हैं, 90 डिग्री के कोण, 60 डिग्री के कोण, 30 डिग्री के कोण पर झुके रहते हैं, और ये 15 से लेके 15 के मल्टीपल के हल्कों बनाने के काम। फिर प्रोटेक्टर होता है जो 0 से लेके 360 डिग्री तक के कोण बनाने के काम आता है, ठीक है। प्रोटेक्टर के बाद फ्रेंच कर्व्स होते हैं जो हमारे सेट स्क्वायर के अंदर है। टेम्पलेट होती है, टेम्पलेट के बाद हमने देखा मिनी ड्राफ्टर का, देखा मिनी ड्राफ्टर का उपयोग, देखा कि मिनी ड्राफ्टर जो होता है वो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और स्केल का एक साथ काम करता है, है? फिर हमने डिवाइडर देखा कि डिवाइडर जो होता है वो किसी भी लाइन को बराबर काम करता है। कंपास देखा कि कंपास जो होता है वो हमें अपने इच्छित रेडियस या डायमीटर